मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीना है। मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो IIT ISM धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी। उसके बाद से मैं 2019 से UPSC के लिए तैयारी कर रहा हूं और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है और सेकेंड इंटरव्यू है। सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद दृष्टि का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो गाइडेंस की कमी थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरा है कि नोट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़े खुद से, क्लासरूम के नोट्स जो मिले, जनरली दृष्टि के जो क्लासरूम के नोट्स थे उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है। स्पेशली पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ NCERTs रेफर की थी, बाकी मेरे लगभग क्लासरूम के नोट्स ही प्रेफर किए हैं। और मैंने उसके बाद ऑप्शनल भी यहीं से किया है और उसके बाद से मैं लगातार, मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें मैं सेकेंड बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा हूँ। उसके बाद से मैं क्लासरूम स्टूडेंट रहा हूँ दृष्टि का, तो मैंने ऑप्शनल और मेंटरशिप प्रोग्राम का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो तो लाइब्रेरी का हुआ कि एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी मिल गई और साथ में और लोग भी मेंस दे रहे थे वो मिल गए। तो उनसे क्या होता कि टेस्ट पेपर लिखने के बाद आपस में एक दूसरे को कॉपी जांच कर लेते या फिर कुछ पॉइंट्स एक दूसरे के ऐड कर देते। सेकंड चीज़ ये है कि जो कंटेंट का टाइम टू टाइम जो करंट अफेयर्स के जो सब जो टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली वो मिल जाते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो उससे अगर हम उनको पढ़ के हुए अगर आगे बढ़े तो कोई समस्या नहीं होती। मेंटर्स की सबसे बड़ी भूमिका ये रहेगी, एक तो लगातार उनसे अगर मिलते रहे तो वो मोटिवेट करते रहेंगे, दूसरा है कि उनको कॉपी दिखाने पर जो कमियां है जो नई डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, स्पेशली जो ऐसे आजकल आ रहे हैं तो ऐसे को लेकर काफ़ी हेल्प मिली। ऐसे दिखाने पर ये कि ऐसे में नई डायमेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे में और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो जो पेपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पर उनकी काफ़ी हेल्प मिली। मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेजेस पे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से, क्योंकि उनका पता एक्चुअली उनकी जात जो है वो टेस्ट सीरीज में ही होती है। मैंने जनरली जो दृष्टि के क्लासरूम के टेस्ट होते थे वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। उसके बाद मार्केट में जो टेस्ट पेपर मिलते हैं उनसे धीरे धीरे मैंने उन्हीं से प्रैक्टिस की और 4 से 5 टेस्ट लिखने के बाद हर सब्जेक्ट के मुझे लगता है कि एक लेवल पहुंच जाता है तैयारी का। उसके बाद से आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह रेफर कर सकते हो, स्पेशली प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स का सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए और मॉक्स को एनालाइज बहुत अच्छे से करें, और एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 4 से 5 मॉक्स लगाने के बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, तो उनको फिर अगर कोई फैक्ट्स डेटा या कंसेप्ट आपका छूटा है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। मुझे ये लगता है कि जो UPSC की तैयारी है वो स्टार्टिंग से मेंस ओरिएंटेड रहनी चाहिए, क्योंकि मेंस से आपको चीज़ों को एनालाइज करने की जो क्षमता आती है उससे प्री में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और डायरेक्ट जो सिलेबस जो क्योंकि सिलेबस जो है स्पेशली मेंस का ही लिखा हुआ है, तो मेंस को टच करते हुए अगर शुरू से ही तैयारी रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था तो सबसे कम स्कोर मेरा SME रहा था, जो बिलो एवरेज रहा था, 107 मार्क्स मुझे मिले थे। तो इस बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है और कुछ 10 से 20 जो कंसेप्ट थे संस्कृत के श्लोक मैंने इस बार कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए कुछ हिंदी से दोहे उठाए, संस्कृत के श्लोक, इंग्लिश कोटेशंस वगैरह, और काफ़ी सारी 150 स्टोरी मैंने ऐड करने के लिए। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे मुझे मेरा फोकस रहा था और उसी से मैंने इस बार लग रहा है बेटर हुआ है। मेरे जो UPS मेंस के दोनों अटैम्प्ट थे उनमें मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे सेलेक्ट किया था कि हिंदी मीडियम में जो है हिंदी लिटरेचर काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है और स्कोरिंग भी है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर से मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहा है, अगर उससे कंपेयर करें तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स 260 रहे थे और मेरे हिंदी में 261 मिले थे। तो मुझे लगता है कि और हिंदी का सिलेबस जो है काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी स्टार्टिंग में तैयार करने में टाइम लगता है, बट एक बार तैयार होने का हो जाने के बाद बहुत कम टाइम में आप उसको रिविज़न कर सकते हो और बार बार रिविज़न कर सकते हो। और मैंने दृष्टि के क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था हिंदी लिटरेचर के लिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी दृष्टि से ही लगाई थी, और एक बार बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी एक बार टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद, क्योंकि हिंदी का बहुत ही लिमिटेड जो है सिलेबस है, करंट अफेयर्स का कोई इशू नहीं है, तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। प्रायः कहा जाता है कि हिंदी मीडियम में जो कंटेंट की काफ़ी कमी है, तो सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में कंटेंट की कमी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू सर प्रीलिम्स जो स्टेज है वहाँ पे आता है कि CSAT का पेपर नहीं हो पाता, तो उसको लिए इसके तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, CSAT में किसी एक पोर्शन को लेकर नहीं जाना है, कॉम्प्रिहेंसन या फिर मैथ्स या रीजनिंग, तीनों को ही तैयार करना है थोड़ा थोड़ा। और
स्पेशली सी सेट के जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है जिन्हें यूपीएससी बार बार पूछती है। लगभग 50 से 60 कंसेप्ट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप उन्हीं को फोकस करें और पैसेजेस कुछ तैयार उनकी अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। हिंदी माध्यम को लेकर सर डेफिनेटली जो नया पैटर्न आया था उसके बाद से सिलेक्शन रेट काफ़ी कम हुआ है, तो उसको लेकर सर आशंकाएँ तो आती है, परंतु अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप अपनाए और प्रॉपर गाइडेंस हो तो सिलेक्शन कम भले ही हुए हैं बट सिलेक्शन बंद होना नहीं हुए हैं। अभी इनिशियली मुझे यह लगता था कि जब मैं मेंस लिखता था तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते थे, 10 से 12 क्वेश्चन ही हो पाते थे 3 घंटे में, तो यह लगता था कि शायद इंग्लिश मीडियम होता तो स्पीड ज़्यादा होती और टाइम से पहले मैं पेपर कर लेता। परंतु जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तो अब प्रैक्टिस करने के बाद मेरा ज़्यादातर पेपर टाइम से पहले हो जाते हैं, तो अब मीडियम मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा बैरियर रह गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो मीडियम का जो बैरियर है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। सबसे बड़ा इशू हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है उनके साथ कॉन्फिडेंस को लेकर है, क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और उनका जो कंपटीशन है फाइनली वो जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, जो अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में रहें उनसे होता है, तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा वो होता है। मेरे साथ भी मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा भी इंटरव्यू में जो स्कोर है काफ़ी लो रहा है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा, उनका कम्युनिकेशन स्किल में इशू तो है सर, और लेकिन उसमें अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे मिरर प्रैक्टिस के कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे तो उस चीज़ से पार किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो इंटरव्यू में इशू आता है कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो उसको साथ में आंसर देना और आगे से आगे जो दिमाग में जो प्रोसेसिंग है उसके अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन तैयार करना। मेंस में क्योंकि लिखना होता है और वो जो प्रोसेस है वो मेंस के लिए तो हो जाती है परंतु इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाती, तो अगर उसको कहीं कहीं जो एनालिटिकल स्किल है उसके जो क्रिटिसाइज करने की या फिर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स प्रोज एंड कॉन्स देखने की जो अगर हम शुरू से ही हैबिट डेवलप करें तो इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ चल सकती है। सलाह तो सबसे पहले यही है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखे, शॉर्ट टर्म गोल बनाए 10 से 15 दिन के और छोटे छोटे टारगेट अचीव करें, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रहेगी कि कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम में निपटाना है, फिर कब जो है टेस्ट सीरीज लगानी है। तो एक तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहे और मोटिवेट रहे, लगातार उस पर काम करते रहे और कंटिन्यूसली पढ़े 8 से 10 घंटे एटलीस्ट डेली दे। और दूसरा कंटेंट को लेके, तो मार्केट में हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखे और जो कॉमन सोर्सेज है जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है या फिर क्लास नोट्स वगैरह है उन्हीं को बार बार रिविज़न करे और टाइम टू टाइम रिविज़न करते रहे। मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू कॉन्फिडेंस का रहता है कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन में हर बार आप एक लो फील करते हैं और उससे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे भी टाइम एटलीस्ट प्री जब मैंने दिया था सेकेंड अटैम्प्ट में तो तैयारी तो मेरी प्रॉपर हो गई थी बट कॉन्फिडेंस का कहीं ना कहीं कमी थी। तो मैं भी एक बार 2 से 3 महीने पहले क्विट करने की सोच रहा था बट मैंने सोचा लास्ट अटैम्प्ट एक तरीके से दे लेता हूँ। और ये कि अपने घर वालों से टच में रहे, एक दो दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, और इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लगातार सस्टेन करने के लिए। एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी करके एक आईएएस बनने का जो सपना था वो बचपन से ही देख रहा था, तो उस चीज़ ने हमेशा से मोटिवेट किया और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, बैकग्राउंड चेंज करने को लेकर भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो हर तरीके से फैमिली का सपोर्ट और कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, तो उसी ने मुझे लगातार इस तैयारी में मोटिवेट किया।